मोबाइल फोन आज के समय में हर किसी के जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन गया है। वहीं आजकल छोटे छोटे बच्चे भी बिना मोबाइल फोन देखे खाना तक नहीं खा सकते और बच्चों की इस आदत से कई पेरेंट्स बेहद परेशान रहते हैं। मोबाइल फोन का ज्यादा इस्तेमाल बच्चों की शारीरिक ही नहीं बल्कि मानसिक स्वास्थ्य को भी काफी ज्यादा प्रभावित करता है, खासतौर पर जब वो छोटी उम्र से ही सोशल मीडिया पर एक्टिव होने लगते हैं। और इसी को देखते हुए ऑस्ट्रेलिया ने एक बड़ा कदम उठाते हुए 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन करने का फरमान जारी कर दिया है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने शुक्रवार 7 नवंबर 2024 को 16 साल से छोटे बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन करने का फैसला लिया है। उन्होंने कहा, फेसबुक और टिकटॉक जैसे प्लेटफॉर्म का व्यापक प्रभाव हमारे बच्चों को वास्तविक नुकसान पहुंचा रहा है। ऑस्ट्रेलियाई पीएम ने कहा कि टेक कंपनियां बच्चों की सिक्योरिटी को लेकर जरूरी कदम उठाने में नाकामयाब रही हैं। ऐसे में कदम सरकार उठाने जा रही है। पीएम एंथनी एल्बनीज ने कहा कि ये टेक कंपनियों की जिम्मेदारी होगी और उन्हें सुनिश्चित करना होगा कि यूजर्स की उम्र सीमा के हिसाब से हो। ये बच्चों के पेरेंट्स की जिम्मेदारी नहीं होगी क्योंकि वो पहले ही अपने बच्चों की ऑनलाइन सिक्योरिटी को लेकर काफी ज्यादा टेंशन में है। ऐसे में अगर कोई 16 साल से कम उम्र का बच्चा सोशल मीडिया का इस्तेमाल करता है तो जुर्माना पेरेंट्स या युवाओं पर नहीं लगेगा। और ऐसे में सोशल मीडिया पर भी इसके रिएक्शन आने शुरू हो गए हैं। ऑस्ट्रेलियाई पीएम ने इसके फैसले को लेकर भारत में भी कई सारे रिएक्शन लगातार सोशल मीडिया पर तैर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर लगे बैन को लेकर एक यूजर आकाश गुप्ता ने लिखा, ऑस्ट्रेलियाई पीएम ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन किया, क्या ये भारत में भी लागू होना चाहिए? इसी के साथ ये तस्वीर भी पोस्ट की है। इसके अलावा एक प्रियंका तिवारी नाम की यूजर ने सोशल मीडिया पर अपना रिएक्शन देते हुए लिखा, ऑस्ट्रेलिया में 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन किया है और हमारे देश में भी ऐसा होना चाहिए। 16 साल से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया से दूर रखना चाहिए। पीएम मोदी कृपया प्रयास करें। देखा जाए तो ऑस्ट्रेलियाई सरकार के इस कदम पर भारतीयों ने सलाम ठोक दिया है। इससे साबित होता है कि भारतीय जनता भी मानती है कि सोशल मीडिया फ्यूचर डिस्ट्रॉयर है। वहीं कुछ ऐसे भारतीय यूजर्स भी हैं जो कि विदेशी सरकार के इस नियम को गलत ठहरा रही है। वेल, इसके बारे में आपकी क्या राय है, आपके विचार रखते हैं, आप भी हमें फटाफट से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी वर्ल्ड से जुड़ी छोटी और बड़ी खबरें देखने के लिए जरूर सब्सक्राइब करें NBT International।